हेलो एवरीवन, मैं प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप घर पे ही ब्राइडल दुपट्टा को कैसे बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ही इसी चैनल पे ब्राइडल दुपट्टा की कटिंग एंड स्टिचिंग इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि मैंने फैब्रिक के ऊपर बनाई है। आज हम इस वीडियो में फ्लावर ररी से ब्राइडल दुपट्टा बनाएंगे, वो भी बहुत ही सुंदर और प्यारा सा। इसमें आप अपना मन के अनुसार कलर कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर आप हल्दी के लिए बना रहे हैं या मेहंदी के लिए बना रहे हैं तो बस इसमें आपको कलर चेंज करना पड़े, जो कि ईजी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए फिर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे किन किन मटेरियल का इस्तेमाल करने वाली हूँ पहले ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्लावर ररी का इस्तेमाल करूँगी, ये हमारा 10 पीस है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 पाइप का इस्तेमाल करूँगी। इस पाइप का जो लेंथ है ये हमारा 53 इंच है। इसके बाद मैंने 4 छोटा साइज का पाइप का इस्तेमाल करूँगी। इसे कैसे बनाना है इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसके बाद मैंने एल का इस्तेमाल किया है और कुछ नेट के फैब्रिक का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी रक्कन बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम एक लड़ी को लेंगे और पाइप के किनारे पर हम इस तरीके से रखेंगे और धागा की सहायता से हम यहाँ पर लपेट लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अच्छी तरीका से इसे लपेट लेंगे। इसके बाद हमें धागा से ही बीचों बीच दरी में से इस तरीके से निकालते हुए हमें पूरे नीचे तक लेके जाना है। यहाँ पे हम पूरे लड़ी पे धागा से ही लपेट लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम दूसरे किनारे पे भी धागा से ही पूरे अच्छी तरीके से लपेट के यहाँ पे मजबूती दे देंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी पाइप को भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमें एक लड़ी को लेंगे और ग्रीन कलर का जो पाइप है यहाँ से इसे हमें कटिंग कर लेना है। ये बहुत ही ईजी निकल जाएगा। इसी तरीके से पूरे हमें लॉरी पे हमें ग्रीन वाले पाइप को निकाल देना है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमारा निकल चुका है। इसके बाद हम एक लॉरी को लेंगे और यहाँ पे एक धागा की सहायता से इसे हमें बांध देना है। अब इसी तरीके से दूसरी लॉरी को भी हमें बांध देना है। तो देखिए फिर इसी तरीके से पूरे हमें दरी पे यहाँ पे इसे लगा देना है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमारा लग चुका है। अब इसी तरीके से हमें सेकेंड वाले पाइप पे भी लगा लेना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लगा लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पाइप से अटैच किया था लड़ी को, उसी तरीके से अब हमें सेकेंड पाइप पे भी लड़ी को लगा लेंगे कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे। तो सबसे पहले कूड वाले फैब्रिक को हमें 4 लेयर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। अब इसी साइज से हमें नेट की फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम एक पीस को लेंगे यहाँ पे और किनारे पे हम डैश को लगा के रेडी कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे एक डोरी को लेंगे। इसकी जो लेंथ है ये 10 इंच है। अब फैब्रिक के बीच सेंटर में रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पूरे पे हमें लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा रंगन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम गोटा पट्टी को लेंगे और डोरी में से इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से पूरे हमें रटकन पे निकाल के रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा रख चुका है। अब यहाँ पे हम एक लड़ी में कम से कम 3 लटकन को लगाएंगे। अब इसी तरीके से पूरे पे हमें लटकन को लगा के रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे अपना एल को लगाएंगे। एल लगाने के बाद अब यहाँ पे हम अपना पाइप को लगा देंगे। अब इसी तरीके से चारों कोनों पे हम एल लगाने के बाद पाइप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फिर इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, जो कि बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय बाय।